नाजरीन आदाब, मैं हूं ज़ुबैर ख़ान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। आज हम सियासी परिचर्चा के विषय से दिल्ली में, साउथ दिल्ली से जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, जो कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आज हमारे मेहमान हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो में उनका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव 12 मई को है। नॉमिनेशन लोगों ने फाइल करना शुरू कर दिए हैं और ये प्रक्रिया एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का जब ख्याल जहन में आता है तो आमतौर से हम CPI समझते हैं या CPIM समझते हैं, लेकिन एक और कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी और बाकायदा दिल्ली में 1980 से ये एक नेशनल पार्टी के तौर पे ये काम कर रही हैं। जो इनके विचारधारा है वो थोड़ा सा CPI और CPIM से मुख्तलिफ है। हम सवाल में इनसे जानेंगे कि वो क्या मुख्तलिफ है, लेकिन आपने दिल्ली जैसी जगह में अपना एक प्रत्याशी उतारा है। मेरे साथ बिरजू नायक जी हैं। बिरजू नायक जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं साउथ दिल्ली से। पहला सवाल मेरा आपसे डायरेक्ट ये है बिरजू नायक जी कि आप मैदान में हैं और आपकी पार्टी के बारे में हम बाद में जानेंगे, आप का इलेक्शन लड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ये तो साफ है। और अगर हम ना लड़ें, एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि हम ना लड़ें, तो क्या हम ये जो कांग्रेस और जो BJP है इनके मुकाबले खड़ा ना हों, या उनका हम जो मैदान है, इलेक्शन का मैदान, हम उसको खाली छोड़ दें? ये भी दूसरा चीज़ साथ में है। इसलिए हम बहादुरी के साथ डटकर जीतने के लिए खड़े हैं और हम अपने मजदूर वर्ग, यहाँ के जो मेहनत का सवाम हैं और जो तमाम जो रहवासी हैं, हम सबको अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें। मैं आपके जज्बात की कद्र करता हूँ कि आप जीतने के लिए खड़े हैं और हर उम्मीदवार, हर प्रत्याशी यही चाहता है कि वो जीते। लेकिन जब दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में पिछले 5 साल में जो एक सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है, आम आदमी पार्टी की एक लहर है और पिछली विधानसभा में उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीत कर एक कीर्तिमान एक रचा था। कांग्रेस और BJP का एक सफाया सा हो गया था। उसके बाद आपके दो मद्दे मुकाबिल आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस और BJP भी हैं। ऐसे तीन बड़े दिग्गजों के बीच और आपके जो प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार कांग्रेस का है वो एक फेमस बॉक्सर है जिसको दुनिया जानती है, ऐसे माहौल में इन तीन बड़ी पार्टियों को फेस करना और एक ऐसे अपोनेंट कैंडिडेट को फेस करना कितना चैलेंजिंग होगा और उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं करीब हम और हमारी जो पार्टी है बीते 3 महीने से लगातार जो हमारा पार्लियामेंट्री जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बदरपुर से लेकर बिजवासन तक है, बिजवासन तक, और हम हर विधानसभा को अब तक कवर कर चुके हैं और अपना संदेश दे चुके हैं। तब जब कांग्रेस और BJP ने अपने कैंडिडेट तो अभी घोषणा किए हैं, जबकि हमारी उससे हम पहले हमारी तैयारी है। तो मोटा मोटी तो ये है कि हम पूरे ताकत के साथ जितनी हमारी क्षमताएं हैं, जितनी हम ताकत हम सह सकते हैं उसके मुताबिक हम मैदान में उतरे हैं। जहाँ तक साफ बात है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस और BJP और आम आदमी के भी कैंडिडेट तो खड़े हैं और खड़े होंगे, और हमें उम्मीद था कि वो जो भी लोगों को खड़ा करेंगे, बेशक उनका राजनीति से नाता हो और या नाता ना हो, पर वो ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो जिसको दुनिया जानती है। तो उससे हमें कोई फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम है। मैं बीते 20 साल से, कम से कम 20 साल हो चुके हैं छात्र जीवन से अब तक, मैं अपनी इसी कम्युनिस्ट गदर पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और हर जगह पर अपने इलाके के जो पानी की समस्याओं को लेकर, शौच की समस्याओं को लेकर, महिलाओं पर अगर कोई हमला होता है या जो उनके सम्मान की कोई रक्षा नहीं हो पाती है उस मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ देश में किसी पर्टिकुलर जात
कम्युनिटी को टारगेट किए जाने के ख़िलाफ़, और या ऐसे जो कम्युनल वायलेंस के जो शिकार हैं या उनके जो अपराधी जिन्होंने किया है उनको लेकर मैं हमेशा सड़क पर रहा हूँ। मतलब मैं सड़क से उठा हूँ और एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, एक मजदूर परिवार से। कोई ये कल्प आज की जो सरमाएदारी राजनीति में ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि भाई आप एक मजदूर परिवार से एक साधारण से बच्चे हैं और आप कैसे खड़ा हो सकते हैं। पर मेरी और मेरी पार्टी कहती है हमें बहादुरी के साथ समाज को संदेश देना है, उनको लामबंद करना है, उनको जागृति करना है, क्योंकि ये मेरे वर्ग के लोग हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में कोई हमें डर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप की तैयारियाँ हैं, आप एक साधारण परिवार से आते हैं और बहुत पहले से आपने तमाम विधानसभाओं को, जैसा कि आपने बताया, आपने कवर भी कर लिया है और कांग्रेस ने तो मेरे ख्याल से कल ही अपना कैंडिडेट घोषित किया है। लेकिन एक सवाल और भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का जब जहन में नाम आता है लोगों के तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का नाम आता है या CPIM जो मॉइस्ट हैं उनका नाम आता है। उनसे विचारधारा के तौर पे हमारे दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए आप बताएं कि आप कितना डिफरेंट हैं उनसे। देखिए, कम्युनिस्ट गदर पार्टी का जो जन्म है वो बेसिकली 1980 में हुआ था, पर जो हमारा जो विरासत है, हम जिन विरासत को लेकर चल रहे हैं, जो 1913 में जो हिंदुस्तानी गदर पार्टी जो अमेरिका में बनी थी, जो खासकर जो हिंदुस्तानी रोज़गार के लिए, रोजी रोटी के लिए जो अमेरिका में थे अब्रॉड थे, उन लोगों ने इसको बनाया। और अगर हम उनकी विरासत को अगर हम देखें तो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी लगते थे कि, और हमें सोचना है कि जो हमारे देश की जो सिचुएशन है, जो हमारे देश की विरासत रही हैं, जो मैं हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हम उन मूल्यों को हम आगे बढ़ाने की, उन राजनीतिक सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी कम्युनिस्ट गदर पार्टी रही है। एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हो कि जैसे एग्ज़ाम्पल हम सेकुलर और कम्युनल के बीच में हम डिवाइड नहीं करते हैं कांग्रेस और BJP को। हम समझते हैं कि कांग्रेस हो या BJP हो, ये दोनों ही पूंजीपतियों की दो बड़ी पार्टियां हैं। वक्ती तौर पर उनको कब कांग्रेस चाहिए और कब BJP चाहिए, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो अगर आप देखोगे तो CPI और CPM के बीच ही हमारी बहुत बड़ी डिफरेंसेस है, इवन और पार्टियों की भी। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा उनसे मतलब सहमति नहीं हो पाती है। इसके बावजूद भी मज़दूरों के इशू को लेकर, महिलाओं के इशू को लेकर, बेकारी के इशू को लेकर हम साथ साथ में हम काम भी करते हैं, मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, मिलके डेमोस्ट्रेशन करते हैं, मिलके आवाज़ भी उठाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये बेसिक आप संघर्ष में एक साथ रहते हैं, आवाज़ भी साथ उठाते हैं, और आज एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे जनता के सामने है। भारत में तीन टाइप के वोट्स हैं, एक वो है जो राइट मेंटेलिटी को सपोर्ट करता है, उसका जनाधार 30% से लेकर के 40% तक भी हो सकता है कहीं कहीं, और एक ऐसा वोट है जो क्षेत्रीय पार्टियों में डिवाइड हो गया है, जो कभी 20% है, कभी 30% है, कभी 40% है। लेकिन आप जैसी विचारधारा के लोग जो एक 20-30% तक का जो अवाम का जो हिस्सा है वो शेयर करते हैं, लेकिन फिर उसमें भी आप जाके डिवाइड हो जाएं। हमारा क्या मानना है? हमारा ये मानना है कि हम हर हिंदुस्तानी को हम हिंदुस्तानी समझते हैं, हर भारतीय है, उसको धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, इलाके के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो देखने का जो नज़रिया है खासकर राजनीतिक पार्टियों का, वो इस तरीके से देखती हैं कि मतलब उनमें वो जो उनका नज़रिया है वो भेदभाव वाला एक तरीके से रहता है कि भाई ये अगर हम मुस्लिमों के पक्ष में बात करेंगे तो मुस्लिम का वोट मिल जाएगा। पर अगर आज़ादी से लेकर आज तक हम देखें तो आप मुझे बताइए कि देश में हम सबको मिलाकर क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। तो हम
ऐसे पार्टियों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो सकती है, जिनका नज़रिया देश में मतलब लोगों के बीच में अंतर को देखने का, या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर को देखने का होता है, जो यह होल जो सोसाइटी है जो हमारी। लेकिन आप सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इलेक्शन आप फाइट कर रहे हैं और किसी से आप समझौता भी नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा ना करके आप देख रहे हैं क्लियर कि आपका वोट जो है बढ़ जाएगा और वोट बढ़ जाने की सूरत में जीत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको सत्ता में आवाज़ बनना है और अपनी आवाज़ को संसद के ऐवानों तक पहुंचाना है, तो क्या सेक्रीफाइस कुछ करते हुए अपनी अपनी जो उसूलों से कुछ कंप्रोमाइज़ करते हुए, क्या पैक्ट करने के बाद आवाज़ बनने के लिए, आवाम की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, क्या संभव नहीं था? देखिए, इस सिलसिले में हमने पहले भी कोशिश की, आज से 3 महीने पहले से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों से, सभी कम्युनिस्ट पार्टियों से मिले, CPI से मिले, CPM से मिले, इवन RSP से मिले, SUCI से मिले, जो भी लेफ्ट लिबरेशन से मिले, सबके बीच में हम लोगों ने यही बात की कि दिल्ली में अगर लेफ्ट पार्टियां मिलकर एक विकल्प पेश करें, क्योंकि दिल्ली राजनीति के केंद्र में है देश के, ये हम सबको मालूम है, और अगर वो मिलकर अगर लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए एक अच्छी बात होती, पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसमें वही देखने वो मतलब लेफ्ट पार्टियों का अपना अपना मतलब देखने का नज़रिया है कि वो सेकुलर वोट ना बटे इसलिए खड़ा नहीं होना, या सेकुलर पार्टियों को जिताने की कोशिश करना। हालांकि ऐसे भी जगह हैं देश के अंदर जहां पर वो जिनको वो कहते हैं सेकुलर है, पर वहां वो खुद खड़े हैं, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये थोड़ा मतलब मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता हूं, पर ये ठीक नहीं है कम्युनिस्टों के नाम पर आप इस तरह की जो बातें कहें। तो अगर लड़ना है तो कम से कम हम सभी कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसे भी हमारे समाज में नॉन कम्युनिस्ट है जो पूरी अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए लगाया है, राजनीति में भी योगदान कर रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों में, तमिलनाडु से खड़े हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब हम उनके साथ भी मिलके कुछ कर सकते थे, क्योंकि हम इतना अवसर नहीं मिला हमें उन लोगों से मिलने का, पर हम आज भी अपील कर रहे हैं उन सबको, जहाँ भी ऐसे लोग जहाँ भी मिले देशवासियों को, उनको वोट देना चाहिए, ना कि ये संस्थापित पार्टी कांग्रेस और BJP को तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। इवन हम तो ये भी कहते हैं अगर आप कांग्रेस और BJP को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना वोट खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनको वोट देकर देश में कोई आगे नहीं बढ़ सका है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ छात्र राजनीति की, तो छात्र राजनीति में अगर कम्युनिस्ट राजनीति की बात आती है, जो छात्र की जो पार्टियां हैं, SFI हो या ISA हो या IASF हो, इस टाइप की जो पार्टियां हैं, JNU उनका एक केंद्र रहा है, 1970 से लेकर के अब तक लेफ्ट का वहां पे कब्जा रहा है। पिछले दशक तक वो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, वहां पे ISA का अलग कैंडिडेट होता था, SFI का अलग होता था, लेकिन अब पिछले एक दशक से उनका आपस में समझौता हो गया है, लेफ्ट का एक ज्वाइंट कैंडिडेट होता है और वो ज्वाइंट के बाद किसी तरीके से राइट विंग या कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। अगर आपका युवा छात्र एक एग्जाम्पल वो पेश कर रहे हैं, तो देश में जनहित में क्या ऐसी एग्जाम्पल तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर पेश नहीं कर सकती हैं, ताकि केंद्र में बाकायदा BJP और कांग्रेस को आने से हर हाल में रोक दिया जाए? मैं आपकी बात से पूरी 100% सहमत हूँ, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, और ऐसा प्रयास गदर पार्टी की तरफ से हर बार होता है। इवन पिछले विधानसभा में हमने यही कोशिश की कि क्यों ना हम मिलके लड़ें, क्यों ना इस इलाके से मतलब वृंदा कराड़ खड़ी हो, जिनको दुनिया जानती है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सब जानते हैं, CPI से अमरजीत कौर खड़ी हो, जिनको दुनिया जानती है कि वो मजदूरों के हकों के लिए लड़ते हैं, हर इशू के ऊपर वो लड़ते हैं। जब ऐसे प्रोमिनेंट लोग खड़े होंगे तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत सकारात्मक राजनीति में वो आएगा, पर नहीं हो पा रहा है। ये तो ही आपकी, आपने मेरी बात बड़ी की,
अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिलहाल आप कैंडिडेट हैं साउथ दिल्ली से, साउथ दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, आपने पहले बताया कि विजयवासन से लेकर के बदरपुर तक एक बड़ा एरिया है। आपकी तैयारियां आपने बताई कि आपने पिछले 2 महीने से ग्राउंड वर्क किया है, लेकिन आपका क्या मंशूर है, क्या एजेंडा है, किन बातों को लेकर के आप आवाम के सामने जाएंगे और क्या आपने वादे किए हैं, क्या आपके अजायम हैं? लोग जीतने के बाद फिर फरार हो जाते हैं, क्या आप भी उसी रविश पर चलेंगे, क्या एक या एक नए एक एक नई मिसाल पेश करके दिखाएंगे? पहली बात कि जो जैसे आपने कहा कि जो हम खड़े हैं, अगर मोटा मोटी बात की जाए तो हम इस बात को उठा रहे हैं जिसमें जो हमारा ये जो हम नवनिर्माण की चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है आज, टाटा, बिरला, अंबानी ऐसी कोई 150 घराने हैं, औद्योगिक घराने जिनके हित के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाई जा रही है। हमारी मांग है और हमारी चाहत है कि जो देश की अर्थव्यवस्था इस देश के मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चलाई जानी चाहिए। दूसरा है जो पार्लियामेंट में जो पॉलिसी बनती हैं उसमें लोगों की भूमिका साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के नाम पर पहुंच के और आपने कह दिया कि मैं जनादेश मिला है और आप नीतियां बनाते हैं जिससे लोगों के जीवन से कोई सरोकार नहीं रखता है। हाँ, अलबत्ता वो हमारे देश के जो टाटा, बिरला, अंबानी हैं उनके हितों की देखरेख की जाती है। आज़ादी से लेकर मैं समझता हूँ कि आज तक यही वही हुआ है। आप लोकल एरिया में बात करेंगे तो लोकल एरिया में आप मुझे बताइए, बदरपुर से लेकर विजयवासन तक जाइए, मैं आपको कह सकता हूँ मिनिमम कुछ नहीं तो 5 से 7 लाख लोगों के परिवारों को घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीने का पानी लोगों को इस देश में मिलता है? घर तक नहीं मिलता है। जब दिल्ली जैसे शहर में 21वीं शताब्दी में अगर लोगों को पीने का पानी, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का कोई कनेक्शन नहीं लगे हुए जिन्हें कोई पानी पीने नहीं मिलता है, सीवर व्यवस्था नहीं है। संगम बिहार इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर सीवर तो भूल ही जाइए, पीने का पानी नहीं है। ये हम साउथ दिल्ली में हम बैठे हैं जो कहा जाता है ये तथाकथित बहुत पॉश इलाका। ये मैं बेसिक चीज़ें मैं उठा रहा हूँ और ये बेसिक चीज़ें हम 2004 से लगातार उठा रहे हैं जब दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित हुआ करती थी। कई प्रोटेस्ट किए हैं, कई प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के घर पर किए गए हैं। यही है, क्या पानी दिए है, सिंपल सी बेसिक चीज़ है। इसके अलावा देश में अगर मजदूरों की बात करोगे, हाँ, अगर इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ा बेल्ट है हमारा ओखला, यहाँ के मजदूरों को किसी को भी न्यूनतम वेतन कभी नहीं दिया जाता है। है 14,000 पर उनको मिलता है 8,000, 7,000, 12 घंटा काम, तब जाके उनको 10,000। ये कानूनन आप का पालन कर रहे हैं, आप कानूनन उनसे 8 घंटे की मेहनत करवा रहे हैं, तो आपको कानूनन उनका वेतन देने में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरीके से महिलाओं के इश्यूज़ के ऊपर अगर आप देखेंगे, क्या आज 8 बजे के बाद निकलने वाली कोई महिला अपने आप को सेफ समझेगी? नहीं समझेगी। वो उनको डर होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई कुछ ना करवाए। इसका मतलब है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से आप एजुकेशन के सेक्टर में देखिए, स्कूल की बिल्डिंगें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने कितना कहा था और कितने स्कूल बनवा नहीं पाए, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ, क्या वास्तव में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं क्या उसमें टीचर्स हैं? आप देखेंगे कि नहीं है, शॉर्टेज, गेस्ट टीचर्स हैं जिनको दिहाड़ी पे वेतन मिलता है और वो काम करते हैं। उनका एजुकेशन लेवल स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। आप उन्होंने एग्जाम्पल बना दिया है। उसी के तरीके से हेल्थ में जाइए आप, इस बेल्ट में सरकारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा बताइए मुझे, इस बेल्ट के अंदर, या आप बदरपुर से लेकर इस बेल्ट के अंदर आप बताइए सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल कौन सा है। किस विधानसभा में आप कहोगे कि मुझे सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है? ये सिंपल सी बातें हैं। आप मुझे अगर ऐसे पूछेंगे तो मैं हज़ारों चीज़ें मैं बता सकता हूँ। आज़ादी के 72 साल होने वाले हैं, 72 साल के बाद भी पानी, नाली, बुनियादी ये जो सुविधाएं हैं सेहत की,
चिकित्सा की, एजुकेशन की, 72 साल के बाद भी ये मुद्दे जो 72 साल पहले थे आज भी हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो टीवी की तरह हुआ ना, आपको पता है ना टीवी हमारे अंदर होती है पर वो वक्त वक्त पर वो बाहर निकल के आती है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना पूरा का पूरा, वो एक टीवी का सिस्टम है, मतलब ट्यूबर क्लोसिस कहते हैं ना उसको, ट्यूबर क्लोसिस की तरह है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो देशवासियों को, हम हिंदुस्तानी, हम मुस्लिम हो सकते हैं, हम हिंदू हो सकते हैं, हम जाति से किसी नाम से हो सकते हैं, पर जो हुक्मरान के लिए हम एक जानवर और भेड़ बकरी से ज़्यादा हम कुछ योगदान हम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, उनके नज़र में हम यही हैं। अगर आपको देखना है बाकायदा तो आप साउथ दिल्ली के भाटी माइंस में जाइए, देखिए नालियां तक नहीं हैं लोगों के लिए, पीने का पानी तक कोई पाइप सिस्टम नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड का कोई कनेक्शन मौजूद ही नहीं है, वो सर पे ढोकर लेकर आते हैं। साउथ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। संगम विहार में 25 दिन के बाद एक दिन पानी आता है तो लोग भरते हैं। आप सड़क नहीं है, आप क्या कहते हैं साइकिल से भी आप जा नहीं सकते, जबकि एमबी रोड से संगम विहार अंदर अंदर 2.5 किलोमीटर आप चढ़ के मुझे आप दिखा दीजिए, आप दौड़ नहीं सकते हैं, आप चलने की तो बात ही दूर है, मतलब जाएंगे। हवा वातावरण आप हम सबको मालूम है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सब हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक तौर पर जिनको हम चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम पार्षद चुनते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे हमारी बात को उचित जगह पे उठाएं और जो समस्या है उसका समाधान करें। जो समस्या का समाधान नहीं है तो आप सड़क के द्वारा देश और दुनिया को मतलब पता लगाने के लिए आप सड़क पर उतरना चाहिए। मुझे बताइए कितने प्रोटेस्ट हुए, आज होता क्या है जी? कांग्रेस पावर में है एग्जाम्पल, बीजेपी पावर है एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है बीजेपी ने के राज में अगर कोई ऐसी नीति बनती है जो लोगों के हितों के खिलाफ है तो बीजेपी सड़क पर नहीं होती, उस वक्त कांग्रेस सड़क पर होती है। कांग्रेस पावर में होती है तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, फिर बीजेपी साइकिल चलाते हुए नजर आती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए इसलिए हम लोग साइकिल चला रहे हैं। अभी बीजेपी का पेट्रोल का दाम 73 रुपये से 71 रुपये हो या जैसे जो भी रेट हो, अभी बीजेपी वाला कोई नजर नहीं आता। क्या मतलब है आप इस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सिवाय और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये इशू हमारे इशू नहीं है? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस देश में जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके प्रति कोई जवाबदेही कहीं नहीं होती है। पूरे देश की आप बात कर रहे हैं और आप दिल्ली में 7 सीटों में सिर्फ एक जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके अकेले संसद में पहुंचने से इसका क्या असर होगा? यस, मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, बिरजू नायक अकेला नहीं हो सकता है। इस देश में बिरजू नायक जैसे कितने सारे बिरजू नायक होंगे जो इस देश में लोगों के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी खड़े होंगे। इसका मतलब वो भी अगर चुन के आते हैं, अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं। टोटल कितनी जगह से आप लड़ रहे हैं? मैं एक जगह से खड़ा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस गदर पार्टी। पूरे भारत में एक जगह से? एक जगह से लड़ रहा हूँ, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्लियामेंट में हम पहुंचते हैं और अगर कोई अच्छी बात हो रही है, इसका मतलब हम सपोर्ट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर, ना कि जैसे जो आजकल पार्लियामेंट में क्या किया जाता है कि आप इनडायरेक्टली बहिष्कृत करते हैं, आप बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लागू हो जाए, मतलब ठोक के वहाँ पर आप लोगों की आवाज़ और लोगों की आवाज़ बन के आप अपनी बात को वहाँ कहने का हक है। हम लोगों की आवाज़ बनने के लिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका ये जो चुनावी सफ़र है वो अच्छा रहेगा और आपको ज़रूर जीत मिलेगी, और मैं अपने नाज़रीन से जो देख रहे हैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि बिरजू नायक की जो नीतियां हैं, जो इनके एजेंडे हैं, जो मंशूर हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसके मुताबिक आप फैसला करें। हम अपनी टीम और एशिया टाइम की तरफ से शुभकामनाएं पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र ही ज़रूर कामयाब हो। एशिया टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।